एक्सेल पहले लॉकडाउन 3 मंथ्स के बाद अभी क्या करें, कंटेंट नहीं था मेरे पास। अभी लॉकडाउन चालू है तो थोड़ा टाइम है तो बना रहा हूँ वीडियोस। तो इस साल मैं आपको अभी हर 2 हफ्ते में एक वीडियो डालने के लिए सोचा है मैंने, तो मैं ज़रूर डालूँगा। आपको अभी हर 2 हफ्ते में एक वीडियो डालने के लिए सोचा है मैंने। एंड अ फ्लैशबैक। हेलो गाइस, वेलकम टू दी इंडियन एंड कीपर। सो यस, आई एम फाइनली बैक। मैं जानता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो 1 साल पहले अपलोड किया था, तो मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने इतने दिनों से अपलोड क्यों नहीं किया। वीडियो शुरू होने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो एक माशक है शीला के मर्द, इन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया प्लीज़ वीडियो और यहाँ मैं पिघल गया, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शीला शीला की जवानी। चलो अभी मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अपलोड करना क्यों स्टॉप किया, तो मेरे पास एक ओरिंडो पनेरा क्वीन थी जो सेमी क्लस्टल है, और मेरा लास्ट वीडियो क्लस्टल क्वींस पे था, तो प्लान था कि मैं सेमी क्लस्टल कैर पे वीडियो बनाऊँ। तो इसके लिए मैं वर्कर्स के लगाता हूँ ताकि मैं फुल प्रोसेस फिल्म कर सकूँ और एक वन शॉट वीडियो बना लूँ कैर पे। सब अच्छा चल रहा था, ओरिंडो पनेरा ने एग्स ले किए, एक से लार्वा एच हुआ, फिर हुआ प्लॉट ट्विस्ट। वीडियो कंटिन्यू करने के पहले मैं आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा, जो है रेड शैडो लेजेंड्स। इस वीडियो के स्पॉन्सर्स है एंड कीपर्स ऑफ इंडिया डिस्कॉर्ड सर्वर। यहाँ आप दूसरे इंडियन एंड कीपर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे। इनवाइट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लीज मेरे ही लिंक से ज्वाइन करना। मुझे हर इनवाइट का 5 रुपये मिल रहा है, तो अगर आप में इसमें 100 जन ज्वाइन करोगे तो भी मुझे 500 रुपये मिल जाएगा। प्लीज़ गरीब की मदद कर दो। शॉर्ट में बताऊँ तो बेसिकली ओरिंडो पनेरा का लार्वा ककुन स्पिन नहीं कर पाया और नेकेट विभा बन गया, इसके कारण उस लार्वा की डेथ हो गई। और क्वीन ने उस लार्वा को रिलीज करने में बहुत टाइम और एफर्ट्स डाले थे, तो क्वीन के लिए बहुत बड़ा क्रिटिकल हिट था ये, इसके कारण क्वीन की भी बाद में डेथ हो गई। और मिस्टेक मेरे तरफ से हो गई थी, मुझे लगा कि आउटवर्ल्ड में सबस्ट्रेट है तो क्वीन को जब भी सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी वो खुद यूज़ कर लेगी, तो मैंने ट्यूब में सबस्ट्रेट ऐड नहीं किया क्योंकि मैं उसे स्ट्रेस नहीं करना चाहता था। और फिर जब मैंने ट्यूब में सबस्ट्रेट ऐड किया तब तक सब हो चुका था। मेरे को ओरिंडो पनेरा क्वीन 18 जुलाई को मिली थी और उसकी डेट 13 अक्टूबर को हुई, और मैंने लास्ट डे 6 जुलाई को अपलोड किया था, तो ऐसे ही 4 मंथ्स चले गए। और ये तो बस शुरुआत थी मेरी जो क्रोमेटोकस्टर कॉलोनी थी, इसे मैंने हाउ टू मेक अ फॉर्मिक क्रीम फॉर एंड्स वीडियो में फीचर किया था। उनके साथ बहुत बुरा माइट इन्फेस्टेशन हो गया था जिसके कारण मैं उन्हें सेव नहीं कर पाया। मेरा जो कैम्पनोटस रिटर्न्स का कॉलोनी था जिसको मैंने पीओपी नेस्ट में शिफ्ट किया था, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे थे। फिर एक दिन 99% ऑफ द कॉलोनी पॉपुलेशन गायब हो गया नेस्ट में छोटे से होल के कारण, बस क्वीन और थोड़े वर्कर्स और ब्रूड बच गया था। फिर मैंने उस कॉलोनी को एक टेस्ट ट्यूब सेटअप में शिफ्ट किया ताकि मैं उन्हें रिकवर कर सकूँ। और मेरे पास एक कैम्पनोटस कॉम्प्रेसर्स की अराउंड 100 to 150 वर्कर कॉलोनी थी जिनकी डेथ पॉइजनिंग के कारण हो गई थी। फाइनली मेरे पास बस 2 टेस्ट ट्यूब कॉलोनीज बच गए थे, और मैं 12th में था तो थोड़ा ऑनलाइन लेक्चर्स का प्रेशर था, इसके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था, और मैं थोड़ा लेजी भी हूँ। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा।